ये हमारी ऑटोकैड की ड्राइंग 7 है, जिसकी मैं ड्राइंग यहाँ पर शो कर रहा हूँ। हमें वाली ड्राइंग बनानी है। इसमें सिर्फ हमें सर्कल और डायमीटर दे रखा है, हमें इसी के बेस पर ये पूरी ड्राइंग बनानी है। लेट्स गो। सबसे पहले हम सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद हमें सबसे पहले हम सर्कल लेंगे 55 का, रेडियस 55। उसके बाद हमें 88 का सर्कल लेंगे, अगेन सर्कल लेंगे 88 का, जिसमें हमें रेडियस 44 है, हमने ले लिया। उसके बाद हमें नीचे जाना है। इसमें एक सर्कल दे रखा है डायमीटर 226 का, ठीक है। तो हमें 226 का सर्कल लेंगे, सबसे बड़ा 226, जिसका रेडियस होता है 113। ओके, अब यहाँ पर हमें अपनी फिगर बनानी है। अब हम इसके बाद हमें यहाँ पर एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस है 26 और जिसका छोटा वाला सर्कल है कितने का, 20 का, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर भी एक सर्कल बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सर्कल, हमें 4 सर्कल दे रखे हैं, तो मैं इसको पोलर एरे कर देता हूँ। एरे पोलर, बेस पॉइंट हमने लिया, हमारा बेस पॉइंट यहाँ पर है ये। इसके बाद हमें यहाँ पर 6 सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें 6 की जगह 4 लिख देना है, एंटर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे 4 सर्कल आ चुके हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद ये एकदम सारे सर्कल आप देख रहे हैं, सारे सर्कल शो कर रहा है एक बार में कर रहा हूँ। तो हम इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, EX3। ये वो हमारा एक्सप्लोर हो चुका है। अब हम सिंगल सिंगल सर्कल हमारे हो रहे हैं। हमें यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे ड्राइंग में, तो आपको यहाँ पर इस ड्राइंग में आप देखें तो एक सर्कल है जो कि जिसका डायमीटर 128 आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर। तो हम 128 डाया का सर्कल लेंगे, 128 का लेंगे, 128 डिवाइडेड बाय 2, हमने ले लिया 128 का सर्कल। उसके बाद हमें क्या लेना है, फिलेट लेना है, जो कि फिलेट हमें दे रखा है रेडियस 40 का, जो कि हम मल्टीपल कर देते हैं, एक बारी में लग जाएगा। ये हमने मल्टीपल करा, ये हमने मल्टीपल करा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेंजेंट लेना है यहाँ से। ये टेंजेंट शो नहीं हो रही, तो हम कंट्रोल दबाएंगे, राइट क्लिक, यहाँ पर टेंजेंट आएगा। अब हमें टेंजेंट शो, उसके बाद कंट्रोल राइट क्लिक टेंजेंट, ये हो चुका है बढ़िया से, हमारा हो चुका है एकदम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिरर मिरर कर देते हैं। हमने वाली लाइन पकड़ी, ये वाली पकड़ी, और हमने ये वाली लाइन पकड़ी, और उसको हमने करा एंटर। मिरर पॉइंट हमारा ये, यहाँ से हम नीचे ले गए, ये हमारा इतना सा क्या हो गया, पूरा मिरर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, ये हमारे बीच की लाइन दे रखी है रिब, ये हमें बनानी है। हमने यहाँ से लिया, यहाँ से एक लाइन ली, इसमें 20 का दे रखा है, तो हम 10 का ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट 10, 10 इधर, 10 इधर, ओके। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारी लाइनों में थोड़ा गैप नज़र आ रहा है, तो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड एक्सटेंड, इधर भी एक्सटेंड, इधर भी एक्सटेंड, ओके। फिर बीच वाली लाइन को हम हटा देंगे, और उसके बाद जो हमारी ये वाली, इसको हम ट्रिम कर देंगे, ये भी हमें ट्रिम करना है, और ये भी हमने इसको ट्रिम कर दिया। हमें पूरा सर्कल ही ट्रिम करना है वैसे तो, बाहर वाला सर्कल जो है हमें पूरा ट्रिम करना है। ये हमारी फिगर कुछ कुछ अब ड्राइंग की तरह बन रही है बिल्कुल।
अब हम इसको एरे पोलर कर देंगे, एरे पोलर, सेंटर पकड़ा, फोर दे रखे हैं, सिक्स की जगह दोबारा फोर, एंटर, चार हो गए, बिल्कुल बढ़िया से एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें नहीं चाहिए वो हमें ट्रिम कर देना है, ये अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, बिल्कुल। फिर उसके बाद ये भी, उसके बाद यहाँ पर ये वाला, ये और ये, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। हमारी जो ड्राइंग है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमें क्या करना है, डायमेंशन हम दे देते हैं इसकी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सबसे पहले हम इस सर्कल को सेंट्रल लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस लाइन को भी हम ले बाय लेयर पे गए, सेंटर पे क्लिक करा। फिर उसके बाद सेंट्रल लाइन थोड़ी हल्की हल्की शो हो रही है, पीआर प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे वन दे रखा है मैंने, इसको 5 कर दिया, थोड़ी बड़ी 10 कर दिया, और बड़ी 10 इज परफेक्ट, 10 इज परफेक्ट, ये हमारी सेंट्रल लाइन हमने शो कर दी है। उसके बाद हम इसकी डायमेंशन देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमीटर दे देते हैं, जितने भी डायमीटर दे रखे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल कमांड लेंगे, मल्टीपल, और डायमीटर लेंगे डी डी आई। हमें सबसे पहले डायमीटर दे रखा है इसका, डायमीटर है इसका, डायमेंशन जो है ये शो हो रही है यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, मुझे परफेक्ट चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से उठा देता हूँ, 128 ये वाला, इसको मल्टीपल टी डी आई, अगेन सर्कल कौन सा वाला, और हमें डायमीटर दे रखा है 88, जो मैंने इसको बोला। अगेन हमारा कोई डायमीटर है, 226 का डायमीटर दे रखा है। हमें 226 का डायमीटर दे रखा है, जो मैंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें रेडियस 40 दे रखा है, और कोई डायमीटर हमें नहीं दे रखा, हमें 128 का, 88 का। उसके बाद हमें दोबारा में कमांड जो है वो चेंज करनी है, मल्टीपल जाना है दोबारा, और फिर हमें करना है डी आर ए एंटर। उसके बाद हमें एक है हमारी 26, एक है हमारी 20, ओके। उसके बाद हमारी एक है रेडियस 55 का डाया, और एक है हमारा 40, और ये भी हमारा 40, और ये भी हमारा 40 था। डायमेंशन जो है हमारी, डायमेंशन भी हमारी पूरी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द फिगर। फेवर हमारी डायमेंशन, एक डायमेंशन हमारी रह रही है 20। इसके लिए मैं ये, हमने 20 भी दे दी, और हमारी पूरी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।